आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे नेपाल सीमा से। आतंकी अब्दुल कर्मी टुंडा को गिरफ्तार किया गया है। टुंडा बन बनाने का माहिर माना जाता है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने टुंडा को गिरफ्तार किया है। टुंडा 40 से ज्यादा धमाकों में शामिल रहा है। दाऊद का करीबी टुंडा लश्कर का आतंकवादी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। एक बड़ी कामयाबी यहां पर दिल्ली पुलिस को मिली है। वरुण जैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वरुण, कब और कहां से हुई है ये गिरफ्तारी और किस तरह के और आरोप इसके ऊपर लगे हुए थे? देखिए, अब्दुल करीम टुंडा जो कि दाऊद का राइट हैंड माना जाता है, लश्कर ए तोयबा का आतंकी है और ये बॉम्ब बनाने में माहिर है। इसकी उम्र आपको बताऊं चित्र करीब 60 साल के आसपास है और 80s के दशक में इसने ये ISI के जरिए ये पाकिस्तान गया था और उसके बाद आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने लगा था। लखवा गाजियाबाद का रहने वाला है और साथ ही आपको बता दूं ये बॉम्ब बनाने में माहिर है और इसके ऊपर 1996 से लेकर 1998 में सोनीपत, नई दिल्ली, वाराणसी, कई कानपुर, कई जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करने के आरोप है। करीब 33 क्रिमिनल केसेस चल रहे और 40 से ज्यादा ब्लास्ट के अंदर इसके शामिल होने का इसके ऊपर आरोप है और दाऊद का बेहद करीबी माना जाता है। काफी बड़ी सफलता इसे दिल्ली पुलिस मानकर चल रही है और अभी स्पेशल सेल की गिरफ्त में है अब्दुल करीम टुंडा और पुलिस इसे पूछताछ कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया वरुण इस पूरी जानकारी के लिए। नेपाली सीमा से पकड़ा गया है आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को, गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के लिए।